हेलो दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल डीजे ब्लॉग में। मैं हूं शुभ दोस्तों, और आज के इस वीडियो में दोस्तों सेटअप पूरा चेंज है यहां पे, और ऐसा लग रहा है कि मैं होम थिएटर पे हूं। यहां पे कोई फिल्मी हॉल में बैठा हूं, सिनेमा में बैठा हूं, लेकिन नहीं दोस्तों, यहां पे ये सिनेमा में नहीं बैठा हूं, यहां पे कोई भी फिल्मी हॉल में नहीं बैठा हूं। मैं आया हूं यहां पे स्पेशल आप सभी को लेके यहां पे होम थिएटर टेस्टिंग रूम में, और काफ़ी सारे होम थिएटर में दिखाने वाला हूँ, ब्रांडेड होम थिएटर्स दिखाने वाला हूँ। और आपकी ही डिमांड थी, क्योंकि डीजे हम करते हैं यहाँ पे, कोई कोई अफोर्ड नहीं कर पाता है, तो वो ऐसे होम थिएटर अफोर्ड कर सकता है जो कि अच्छी क्वालिटी के साथ आते हो, तो मैं लेके आया हूँ वो। चलते हैं अभी हम होम थिएटर को देखते हैं, टेस्टिंग बहुत ही अच्छे से करने वाला हूँ, क्योंकि ये रूम ही कुछ खास है। और वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, इस चैनल को जो सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। चलते हैं वीडियो की तरफ, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं ये सारा सिस्टम रखा हुआ है, यहाँ पे जितना भी स्पीकर्स हैं वो रखे हुए हैं। तो ये हो गया लेफ्ट एंड राइट, और यहाँ पे सेंटर। तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कौन सी ब्रांड का यहाँ पे आपको ये होम थिएटर देखने को मिलते हैं। यहाँ पे ब्रांड का नाम है पल्क, और ये जो है सेंटर हो गया, यहाँ पे ये रखा हुआ है इसका बेस यानी लोज, और यहाँ पे लेफ्ट एंड राइट में मिड्स रखे हुए हैं। पीछे की साइड भी क्या रखा है, मैं आपको थोड़ा सा जूम करके यानी कैमरा पास में लाके दिखाता हूँ। तो दोस्तों अगर मैं बताऊँ यहाँ पे आपको क्या क्या सिस्टम देखने को मिल जाता है, तो बेसिकली अगर मैं स्टार्ट करूँ टावर से, तो यहाँ पे ये टावर स्पीकर हो गया, इसका जो मॉडल नंबर है वह है दोस्तों यहाँ पे T50, यानी ये आप देख सकते हैं दो टावर इधर के हो गए, दो टावर उधर के हो गए। यहाँ पे अगर मैं सेंटर पे जाना चाहूँ, तो सेंटर पे आप यहाँ पे देख सकते हैं T30 रखा हुआ है, तो ये T30 हो गया। पोल्क ऑडियो के नाम से है जाना जाता है, ये ब्रांड काफ़ी फेमस है और काफ़ी अच्छी क्वालिटी के हमें होम थिएटर प्रोवाइड करता है। और जस्ट उसका यहाँ पे जो सब है, यहाँ पे वो सब रखा हुआ है, यानी सब ऊपर इसका जो लो है वो रखा हुआ है, तो आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं। अगर मैं बैक साइड बताने की कोशिश करूँ, तो यहाँ पे बैक साइड भी मैं आपको लेके, जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पे बैक साइड में देख सकते हैं ये सराउंडेड है, यानी आप ओवरऑल रूम को यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस वाले पे ध्यान देना आपको, और इस वाले पे ध्यान देना है, क्योंकि ये पोल्क है, और इस साइड जो है ये आपके टावर हो गया, और इस साइड भी टावर हो गया। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं ये सराउंडेड सिस्टम जो है वो इस यहाँ पे जो इसका नंबर मॉडल नंबर है वो है T15, सेम ऐसी वहाँ पर लगा हुआ है T15। तो ये इस टाइप से आते हैं, यानी पूरा पैकेज है यहाँ पे ये पोल्क ऑडियो का। और ओवरऑल चलते हैं अभी हम इसके बारे में कुछ और डिटेल के बारे में। साथ दोस्तों यहाँ पे इस सिस्टम के साथ आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे AVR, यानी ये स्टूडियो AVR होता है, यानी जब आप सॉन्ग चलाते हैं यहाँ पे, या कोई भी आप वीडियो चलाते हैं, जिस ऑडियो को लेफ्ट होना चाहिए तो वो लेफ्ट पे डिवाइड कर देता है, जिस ऑडियो को यहाँ राइट में होना चाहिए तो राइट में डिवाइड कर देता है, जिस ऑडियो को बेस चाहिए हो यानी बेस पे जहाँ काम हो तो वो बेस चलाता है। एक तरीके से मान के चलिए जैसे क्रॉसओवर ही होता है यहाँ पे, अगर आप क्रॉसओवर के साथ मिड हाई और लो तीनों अलग निकाल लें तो सेम चीज़ आपके साथ इसमें हो जाती है, लेकिन इसमें आ जाता है 5-1-1 ऑडियो, यानी 5 आपके वूफर्स हो गए यानी मिड्स के जो हो गए वो हो गए, यहाँ पे 1 का मतलब यानी ये जो सब वूफर है वो हो गया, तो 5 यानी 1, 2, 3, 4 और 5 बैक साइड, तो 5 हो गया, और 5.1 मतलब यानी एक सब वूफर हो गया, तो ये 5.1 ऑडियो सपोर्ट करता है। और ये AVR है, इसके बदौलत ये मतलब चल तो सकता है, लेकिन आपको इसको लगाना पड़ेगा इसकी क्वालिटी के लिए, और ये एक तरीके से आपका एम्पलीफायर ही हुआ, तो ये क्वालिटी को आप यहाँ पे दे सकते हैं। और काफ़ी अलग चीज़ लग रही है, आपको Spotify भी इसके अंदर देखने को मिलता है। अब चलते हैं इसकी कुछ टेस्टिंग देख लेते हैं हम, और कहाँ से अवेलेबल हो रहा वो भी हम। तो दोस्तों वक्त आता है यहाँ पे टेस्टिंग का, तो सब कुछ सेटअप कर चुका हूँ, यहाँ पे सॉन्ग वॉन्ग भी लगा चुका हूँ, और जस्ट यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं अभी मैं चालू करता हूँ यहाँ से गाना, और प्रोजेक्टर भी चालू है। चलिए यहाँ से मैं गाना प्ले करता हूँ, और जरूर से जरूर आप हेडफोन लगा लीजिए।
तो दोस्तों कैसे लगी वीडियो, मुझे उम्मीद है पसंद आई होगी और काफी अच्छी क्वालिटी थी। यानी बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि मैं यहाँ पे सिनेमा में बैठा हुआ हूँ और कुछ मूवी चल रही है और बिल्कुल सराउंडेड ऑडियो थी, क्योंकि 5.1 है यहाँ पे, तो जैसे कि सराउंडेड हो गई होगा। और क्वालिटी सुपीरियर थी, यहाँ पे प्लॉक ऑडियो बहुत ही बेहतरीन ऑडियो, यहाँ पे जो सिस्टम है बहुत ही बेहतरीन लगा मुझे। और बाकी मेरे आपसे ये सजेशन है कि ट्रायल रूम है और आप भी प्लीज़ आके एक बार ट्रायल जरूर लीजिए, देन परचेज करें, क्योंकि ये ट्रायल रूम आप सभी के लिए ही बनाया गया है, तो प्लीज़ विजिट करें यहाँ पे। अब एड्रेस में अगर आपको बताऊँ तो ये एड्रेस है अहमदाबाद गुजरात का, तो शाह ऑडियो इन्फोटेक अगर आप सर्च करेंगे गूगल या फिर मैप कहीं पे भी, बाकी मैं एड्रेस तो यहाँ पे शो हो ही रहा होगा तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं। बाकी आपको ये सारे प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलेगा, तो आप जरूर विजिट करें और इस ट्रायल को लें, और इसे होम थिएटर को अगर परचेज करना चाहते हो यहीं से आप परचेज कर सकते हैं। बाकी दोस्तों ये कैसे लगा क्वालिटी और ये होम थिएटर कैसे लगा मुझे जरूर से नीचे कमेंट में बताना, परचेज करने के लिए शाह ऑडियो इन्फोटेक पे कॉन्टैक्ट करें। बाकी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, ज्यादा इस चैनल को जो सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, जब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।